हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट चैनल। दोस्तों, बास्केटबॉल के रूल्स, मेजरमेंट्स, कप एंड ट्रॉफी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का यह तीसरा पार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। एंड दोस्तों, इससे पहले मैं एथलेटिक्स से रिलेटेड 5-6 पार्ट्स में सभी क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत की हूँ। एंड हॉकी, बैडमिंटन, एंड दोस्तों यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। और 100 से ज़्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर बनाए गए हैं एंड चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कराया गया है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि 3-पॉइंट फील्ड गोल एरिया के आर्क का अर्धव्यास रिंग के मध्य के लंबवत बिंदु से कितना होता है? तो ये होता है 6.75 मीटर। नेक्स्ट है, नो चार्ज सेमी सर्कल कहां पर स्थित होता है? तो यह बास्केट के नीचे स्थित होता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। नेक्स्ट, नो चार्ज क्षेत्र सेमी सर्कल क्षेत्र को कैसे चिन्हित किया जाता है? तो इसको रिंग के मध्य से कोर्ट पर लंबवत बिंदु को केंद्र मानकर बैकबोर्ड के सामने की तरफ 1.25 मीटर एक अर्धवृत्त खींचते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिबंधित क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो 5.80 मीटर × 4.90 मीटर, यानी कि 5.80 मीटर इसकी लंबाई होती है प्रतिबंधित क्षेत्र की एंड चौड़ाई होती है 4.90 मीटर। नेक्स्ट है, 3-पॉइंट फील्ड गोल एरिया एंड लाइन पर दोनों साइड लाइन से कितनी दूरी पर होती है? यानी ये बोल रहा है कि 3-पॉइंट फील्ड गोल एरिया जो होता है वह एंड लाइन पर दोनों साइड लाइन से कितनी दूरी पर होता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, या 0.90 मीटर की दूरी पर होता है साइड लाइन पर। नेक्स्ट है, प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर फ्री थ्रो के दौरान प्रयोग होने वाला न्यूट्रल जोन कितना लंबा व चौड़ा होता है? तो यह 40×10 सेंटीमीटर होता है। न्यूट्रल जोन 40 सेंटीमीटर लंबा एंड 10 सेंटीमीटर चौड़ा। यह क्वेश्चन एल्टीग्रेड 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट, प्रतिबंधित क्षेत्र में विरोधी खिलाड़ी अधिक से अधिक कितने समय तक अपने पास बॉल रख सकता है? जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पे कोई भी खिलाड़ी वाली 3 सेकेंड तक बॉल को रख सकता है। नेक्स्ट है, अगर किसी खिलाड़ी के पास बॉल हो और उस खिलाड़ी को विपरीत खिलाड़ी ने घेर रखा हो तो उसे कितने समय के अंदर बॉल को पास करना, शूट करना या ड्रिबल करना होगा? तो 5 सेकेंड के अंदर। नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी को विपरीत खिलाड़ी द्वारा घेरना कब माना जाता है? तो उसकी दूरी 1 मीटर से अधिक न हो तब माना जाता है। नेक्स्ट है, एक टीम द्वारा अपने कोर्ट से सामने वाले कोर्ट में कितने समय में बॉल पहुंचानी होती है? तो 8 सेकेंड के अंदर। नेक्स्ट है, एक टीम द्वारा बॉल को अपने अधिकार में लेने के पश्चात कितने ज्यादा से ज्यादा समय में विपरीत टीम के बास्केट में शूट लेना यानी अंक लेना होता है? तो 24 सेकेंड के अंदर। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खेल के संबंध में निम्न में क्या गलत है? ऑप्शन है, प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर से बास्केट करने पर 2 अंक मिलते हैं। जब नहीं दोस्तों, प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर बास्केट करने पर 1 अंक, 3-पॉइंट क्षेत्र के अंदर
सर्कल के अंदर बास्केट करने पर 2 अंक एंड 3 पॉइंट सर्कल के बाहर से बास्केट करने पर 3 पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा और सभी सही रहेंगे। यानी कि बी है क्या फ्रंट कोर से बैक बोर्ड के में पास दिया जा सकता है। सी है 3 पॉइंट गोल एरिया के अंदर कोई तकनीकी फाउल होता है तो 2 फ्री थ्रो मिलती है। एंड डी है 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया के बाहर कोई तकनीकी फाउल होता है तो 3 फ्री थ्रो मिलते हैं। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि यह 3 पॉइंट गोल एरिया जो है उसके अंदर से कोई तकनीकी फाउल होता है तो 2 फ्री थ्रो मिलता है और उसके बाहर से कोई तकनीकी फाउल होता है तो 3 फ्री थ्रो मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन है कौन गलत है। प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर से बास्केट करने पर 2 अंक मिलते हैं, यही गलत है। नेक्स्ट है किसी खिलाड़ी को घेरने के लिए या गार्ड देने के लिए किस सिद्धांत का अमल किया जाता है। तो सिलेंडर सिद्धांत का। नेक्स्ट है बास्केटबॉल खेल के संदर्भ में निम्न में क्या गलत है। तो यहां आपको देखना है क्या गलत है। ऑप्शन है किसी वजह से खेल रुकने पर बॉल जिस टीम के अधिकार क्षेत्र में है उस टीम को साइड लाइन से थ्रो इन दी जाती है। बी है ड्रिबल करने के पश्चात खिलाड़ी दोबारा ड्रिबल नहीं कर सकता, ये भी सही है। सी है इस खेल में खेल को एक अंपायर खिलाता है, ये आपका ऑप्शन गलत है क्योंकि इसको 2 अंपायर खिलाता है। और डी है पिवट किसी एक पैर पर ही बनाया जा सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी विपरीत खिलाड़ी को चार्ज करना, यानी कि चार्ज करने का मतलब है चाहे वह बाल सहित हो या बाल रहित हो किस प्रकार के फाउल में आता है। तो यह व्यक्तिगत फाउल में आता है। जैसा कि मैं दोस्तों पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसमें फाउल 3 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत फाउल, तकनीकी फाउल और प्लेयर फाउल। और 5 फाउल करने पर खिलाड़ी गेम से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट है एक खिलाड़ी द्वारा विपरीत खिलाड़ी को पकड़ना, जानबूझकर धक्का, जानबूझकर ब्लॉक करना, धक्का देना, चार्ज करना, ट्रिप करना आदि, जिसमें वह अपने हाथ, कोहनी, कंधे, पैर, घुटने, पंजे और सिलेंडर सिद्धांत के विपरीत आता है तो उसे किस प्रकार का फाउल माना जाता है। तो इसे माना जाता है व्यक्तिगत फाउल, इसको कांटेक्ट फाउल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है अगर एक खिलाड़ी द्वारा विपरीत खिलाड़ी के साथ व्यक्तिगत फाउल किया जाता है जबकि वह शूटिंग की स्थिति में नहीं हो और तो निर्णय क्या होगा। तो निर्णय होगा पास की साइड लाइन से थ्रोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक खिलाड़ी द्वारा विपरीत खिलाड़ी के साथ शॉट लेते समय 3 पॉइंट गोल एरिया के अंदर व्यक्तिगत फाउल किया जाए तो निर्णय क्या होगा। तो अभी मैं तुरंत बताई थी कि 3 पॉइंट गोल एरिया के अंदर फाउल होगा तो 2 फ्री थ्रो मिलेंगे। नेक्स्ट है एक खिलाड़ी प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर से या 3 पॉइंट गोल एरिया के अंदर से शॉट ले रहा हो और विपरीत खिलाड़ी द्वारा व्यक्तिगत फाउल करने के बावजूद बॉल बास्केट में चली गई हो तो निर्णय क्या होगा। तो निर्णय होगा कि 2 अंक दिया जाएगा और 1 फ्री थ्रो। और यही स्थिति अगर बाहर 3 पॉइंट गोल एरिया के बाहर होगा तो 3 फ्री थ्रो दिया जाएगा, ठीक है। तथा दूसरे प्रश्न, जब ऐसा होगा कि बॉल बास्केट में चली जाएगी तो 2 फ्री थ्रो दिया जाएगा। जैसे दोस्तों एक खिलाड़ी को शॉट लेते समय विपरीत खिलाड़ी द्वारा व्यक्तिगत फाउल किया गया हो और उसी दौरान 24 सेकेंड की घड़ी का सिग्नल बज जाए तो निर्णय क्या होगा। तो निर्णय यहाँ पे होगा, यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं जैसा कि
निर्णय होगा आपका ऑप्शन नंबर वन है कि 3 पॉइंट गोल एरिया के अंदर शॉट लिया जा रहा हो तो 2 फ्री थ्रो मिलेंगे, बी है 3 पॉइंट गोल एरिया के बाहर शॉट लिया जा रहा हो तो 3 फ्री थ्रो मिलेंगे, सी है शॉट बास्केट में परिवर्तित हो गया हो तो बास्केट नहीं माना जाएगा और क्षेत्र के आधार पर 2 या 3 फ्री थ्रो दिए जाएंगे। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है खेल की स्थिति ऐसी हो कि आक्रामक व सुरक्षात्मक दोनों खिलाड़ी व्यक्तिगत फाउल कर दे तो कौन सा फाउल दिया जाएगा, तो आक्रामक और सुरक्षात्मक दोनों खिलाड़ी अगर व्यक्तिगत फाउल कर देंगे तो उसमें कौन सा फाउल दिया जाएगा, तो डबल फाउल दिया जाएगा। नेक्स्ट है अगर ए और बी टीम के 2 खिलाड़ी व्यक्तिगत फाउल कर दे और बॉल किसी के अधिकार में ना हो तो निर्णय में किसे थ्रो इन दिया जाएगा, जिस ओर बॉल पोजीशन इंडिकेटर का निशान होगा, किसे दिया जाएगा, जिस ओर बॉल पोजीशन इंडिकेटर का निशान होगा। नेक्स्ट है अगर ए और बी टीम के 2 खिलाड़ियों द्वारा व्यक्तिगत फाउल हो जाए और ए टीम के खिलाड़ी में के अधिकार में बॉल हो तो निर्णय क्या होगा, तो निर्णय क्या होगा, ए टीम को साइड लाइन से थ्रो इन दिया जाएगा। नेक्स्ट है नियम के विरुद्ध अगर कोई कॉन्टेक्ट फाउल अंपायर की सोच में जानबूझकर किया जा रहा हो तो उसे किस प्रकार का फाउल कहा जाएगा, तो उसे अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर फाउल बोला जाएगा। दोस्तों इससे संबंधित निर्णय व्यक्तिगत फाउल की तरह होते हैं। नेक्स्ट है अगर कोई अनस्पोर्ट्समैन लाइक कार्य यानी अनस्पोर्ट्समैन लाइक वर्क कोई बेंच पर बैठा खिलाड़ी या कोच करता है तो यह किस प्रकार का फाउल कहलाएगा, तो यह जो है डिसक्वालीफाइंग फाउल कहलाएगा। नेक्स्ट है अगर कोई कोच डिसक्वालीफाइंग फाउल करता है तो निर्णय क्या होगा, तो निर्णय स्कोर शीट से कोच का नाम हटाकर असिस्टेंट कोच का नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट है अगर कोई खिलाड़ी डिसक्वालीफाइंग फाउल करता है और उस खिलाड़ी के विपरीत टीम का खिलाड़ी शूटिंग एक्शन में ना हो तो फ्री थ्रो के लंबवत में क्या सही है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा 2 फ्री थ्रो मिलेंगी। नेक्स्ट है अगर किसी खिलाड़ी के व्यक्तिगत 5 फाउल या तकनीकी 2 फाउल हो जाए तो उसे कितने समय के अंदर बदलना होता है, तो 30 सेकेंड के अंदर बदलना होता है। नेक्स्ट है फ्री थ्रो लेते समय खिलाड़ी की निन में से क्या स्थिति होती है, तो फ्री थ्रो लेते समय कौन सी स्थिति होती है, ऑप्शन है 5 सेकेंड के अंदर फ्री थ्रो लेनी होती है, बी है फ्री थ्रो लाइन के पीछे से तथा सेमी सर्कल के अंदर से थ्रो करनी होती है, और सी है फ्री थ्रो करने के पश्चात जब तक बॉल रिंग या बैक बोर्ड को छू न जाए तब तक खिलाड़ी फ्री थ्रो लाइन को टच नहीं कर सकता या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन राइट हैं। नेक्स्ट है फ्री थ्रो लेते समय प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर जो 10-10 सेंटीमीटर के चिन्ह बने रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम फ्री थ्रो रिबाउंड क्षेत्र बोलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों सभी थोड़ा लंबे लंबे क्वेश्चन थे व्याख्यान टाइप के, तो आपको समझने में देर हो सकती है, इसलिए 2-3 बार वीडियो को देखिएगा। एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, जो भी डाउट होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड दोस्तों बने रहिए डेली बेसिस पे मेरे चैनल पे बेहतरीन तैयारी के लिए, और अपना तैयारी डेली बेसिस पे करते रहिए।
तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।